क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? क्या आप सभी को? यस सर। इंस्टा पे सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? क्या इंस्टा पे सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून रिंकेश। सर इंस्टाग्राम के ऊपर शो नहीं हो रहा आपका लाइव। लाइव शो तो हो रहा है यार, सब आ रही ऑनलाइन आ गए। 11 जन ने तो 11 जन ऑनलाइन आ गए भाई। क्या? हाँ ओके सर। चलिए नो द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने कैपिटल गुड्स का सेक्शन नंबर 16 कर लिया। सेक्शन नंबर 17(5) जो ब्लॉक द क्रेडिट थी, उसके भी दो टॉपिक कर लिए। पार्ट ए पूरा निपटा दिया था हमने, पार्ट ए एक्चुअली पूरा निपटा दिया है, और पार्ट बी में कल कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में अब एक बार पार्ट बी को अच्छे से देख लो। अब सुनना ढंग से, देखना पार्ट बी को। पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी बोल रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें नाम देखते ही आपको आईटीसी कैंसिल करनी है, तो ऐसी चीजें कौन कौन सी है? गुड्स स्टोलन, डेस्ट्रॉयड, गिफ्टेड और फ्री सैंपल। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या कंपोजिट पर्सन। कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक हमने कल बहुत डीपली जाके समझ लिया था। फिर इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, देखो इंश्योरेंस तो एक वर्ड है। अगर मैं ये बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी चीज गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग है तो आईटीसी मिलेगी, और गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर आपने टैक्स डिपॉजिट किया, शो कॉज नोटिस, मतलब पहले नोटिस आया उसके बाद अगर आपने टैक्स डिपॉजिट किया है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट याद हो गए। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं इसी में ले रहा हूं, यहीं पे ही, यहां पे ले रहा हूं मैं। एक छोटा सा पॉइंट और है,
लो सुनो, एक पॉइंट है मोटर कार का, कार का एक छोटा सा पॉइंट है। अब कार का पॉइंट आप बोलोगे, कार का पॉइंट तो हो गया, कार का एक छोटा सा पॉइंट बाकी रह गया था। अगर अगर सुनना, कार में अगर जो कैपेसिटी कैपेसिटी कार जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में काम आ रही है, कार किस में काम आ रही है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो एक्चुअली क्या होता है, आपकी टॉपिक है एग्जेम्पशन, जो इस चैप्टर जस्ट बाद में लूंगा मैं, एग्जेम्पशन का पॉइंट एक टॉपिक है, एग्जेम्पशन का पॉइंट है वो मैं इस चीज जस्ट बाद में लूंगा। तो पॉइंट है, अगर कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर फोर्टीन अगर इससे कम है, अगर कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 14 से कम है तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, और अगर उससे अबव है तो आईटीसी मिल जाएगी। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 14 से कम है तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, और अगर 14 से ज्यादा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। याद रह जाएगा पॉइंट, यस और नो? इंस्टाग्राम यस और नो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में अगर कोई कार काम में आ रही है, कोई भी कार, मोटर कार काम में आ रही है, अगर कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर अगर 14 से कम है तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, 14 से ज्यादा तो आईटीसी मिलेगी। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि 14 से कम है तो वो एग्जेम्पशन में चल जाता है। तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। चैप्टर और क्वेश्चन नंबर आईटीसी चैप्टर है, चैप्टर नंबर तुम नहीं बता मुझे, चैप्टर आईटीसी है, चैप्टर नंबर तो 10 है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। चलो आप लोग बताओ कि किसमें आईटीसी मिलेगी और किसमें आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो जो इजी इजी पॉइंट्स हो तो मैं कर लूंगा, जो हार्ड हार्ड पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं। चलो एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बोल रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले जरूरी होता है मंथ, ध्यान रखो किस मंथ की कैलकुलेशन करो, दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट available to Ashwin Limited in respect of the following goods and services procured। देखो procured का मतलब received, purchased, ये होता है ना, कल मैंने ये word समझाया था आप लोगों को, by them in the month of April 2019। आप किस month की calculation कर रहे हो?
अप्रैल 2019 की, ठीक है। चलो पहला, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द मिलेगी सर, यस सर मिलेगी, मिलेगी सर। यस ठीक है, इसकी आईटीसी मिलेगी। ओके ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड बताना। पॉइंट नंबर सेकंड, मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 14% इंक्लूडिंग ड्राइवर, सिटिंग कैपेसिटी मिलेगी सर, 14% मिलेगी इंक्लूडिंग ड्राइवर, मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी सर, मिलेगी सर। तीन परसेंट जीता है, इसके अभाव सुनने नहीं मिलेगी। अगर 14 से कम होते, अगर 14 से कम होते तो आईटीसी नहीं मिलती, और 14 से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आईटीसी मिलेगी। तो यहाँ पे कितने है, 14 या 14 से ज्यादा है, ठीक है, तो उससे आईटीसी मिल जाएगी। अगर इससे कम होते तो आईटीसी नहीं मिलती। 14 या 14 से कम है, सॉरी 14 या 14 से ज्यादा है तो आईटीसी मिलेगी, बट अगर 14 से कम है 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 0 तक, 0 तो कैसे होगा 1 तक, तो उसकी आईटीसी मिल नहीं मिलेगी। 14 से कम है, 14 या ज्यादा है, आईटीसी मिल जाएगी। आई बात समझ में, इंक्लूडिंग ड्राइवर, 14 में इंक्लूडिंग ड्राइवर है, ठीक है। आगे देखो, बेसिक रूल आपने ना 14 इसलिए लिया क्योंकि सब जगह 14 है, बाकी बेसिक रूल है 12 प्लस 1 का, इसका ध्यान रखना। बेसिक रूल है 12 प्लस 1, मतलब 12 persons plus 1 driver, 12 persons plus 1 driver, 12 plus 1 का एक बेसिक रूल है, स्टेट कैरिज के अंदर आता है। बट ठीक है, हम लोग इस रूल को नहीं छोड़ते, हम लोग हमारे 14 वाले रूल को पकड़े चलते क्योंकि वही आपके सबसे ज्यादा यूज में आया हुआ है। बाकी जो बेसिक रूल है स्टेट कैरिज वगैरह का, 12 प्लस 1 का रूल चलता ही है, ठीक है। चलो आगे, तो ये तो इजी इजी टॉपिक से, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई खास बात है नहीं इसके अंदर, पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। फूड एंड बिवरेजेस परचेज फ्रॉम गुप्ता कैटरर्स फॉर एम्प्लॉइज नॉट अंडर स्टेचुरी ऑब्लिगेशन, नॉट नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मोटर व्हीकल नहीं मिलेगी सर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सिटिंग कैपेसिटी 8 से 8 है, 8, 14 से कम है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी इसमें भी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप लोग कैलकुलेशन अप्रैल करो, इसका याद रखना। तो देखो, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, इनवॉइस ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, बट गुड्स इज रिसीव्ड इन मे। हम लोग कैलकुलेट, नहीं मिलेगी, हाँ एक सेकंड, नहीं मिलेगी सर, एक सेकंड, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रैल की, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रैल की, गुड्स रिसीव हुआ मई में, अप्रैल के अंदर गुड्स रिसीव हुआ ही नहीं, अप्रैल के अंदर गुड्स रिसीव हुआ ही नहीं, तो उसकी आईटीसी अप्रैल में मिलेगी नहीं, ठीक है। मोटर लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कुछ भी नहीं बोला, तो बिजनेस यूज हुआ, बिजनेस यूज है तो आईटीसी मिलेगी, मिल जाएगी, मिलेगी। आगे चलो ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद में goods purchased from RST limited full payment is made by Ashwin limited to RST limited against the supply but tax has not been deposited tax deposit nahi hua to ITC nahi milegi nahi milegi theek hai to ITC nahi milegi okay nahi milegi services of general insurance of motor vehicle transportation और सिटिंग कैपेसिटी 8-14 से कम है फिर आईटीसी नहीं मिलेगी इसमें भी नहीं मिलेगी ठीक है आगे सर्विस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब इसका आंसर बताओ चलो एक बार सुनना मैं ना पूछूं ना मेरा सुनो मैं पूछूं उसका आंसर बोल दो आप लोग आप बोलते रहते हो फिर मैं कुछ बोलता हूँ मैं दोनों तरफ से कंफ्यूज रहता है जो इजी हो तो डायरेक्ट करा दूंगा उसमें आप लोग बोल के आप लोग पूरा फ्लो तोड़े मत आप लोग इजीली जो मैं पूछू के उसका आंसर देते रहो ठीक है बाकी ये तो इजी चीज है इनमें क्या इन पॉइंट्स में कोई मतलब होना चाहिए तो मैं बोलू आप बोलो बात ये कि सब बता सकते थे जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो जिसको मैं पूछू वो बोलते रहो आप लोग बस इससे आप लोग भी क्या एक जगह पे कॉन्स्टेंट हो जाओगे बार बार माइक ऑन करना ऑफ करना ऑन करना ऑफ करना वैसा नहीं रहेगा चलो तो सर्विसेस पॉइंट नंबर 9 सर्विसेस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ठीक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी मिलेगी सर ओके आईटीसी मिलेगी और लास्ट पर्सन में मोटर व्हीकल ठीक है सर्विसेज और सर्विसिंग मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है 14% है आराम से मिलेगी इसकी भी मिल जाएगी ठीक है चलो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है यस सर आगे Next question. Determine the amount of input tax credit available to Z Limited in respect of the following goods and services procured by them in the month of May 19. अब आप लोग किस मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हो मई मंथ की ठीक है सर आपके सामने व्यास होना तीन पॉइंट है बिना बोले आप लोग बोलना कुछ भी नहीं तीन पॉइंट है तीनों पॉइंट का आंसर ये आप लोग अपने मन में रख लेना बोलना कोई मत बस तीन पॉइंट का आंसर के लिए अपने मन में रख लेना कोई बोलेगा नहीं चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केवल अपने मन में आंसर रखना ठीक है जिस जिसका सही हुआ वो भी और नहीं हुआ तो भी केवल अपने मन में हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना बस ठीक है चलो पॉइंट नंबर 1 गुड्स परचेस्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एबीसी लिमिटेड वैलिड इनवॉइस ओके टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड एंड जेड लिमिटेड हैज मेड पेमेंट पेमेंट हमने जून में किया पेमेंट हमारे लिए इररिलेवेंट चीज होती है पेमेंट का हमारे को यूज नहीं होता है वैलिड इनवॉइस है टैक्स डिपॉजिट हो चुका है सब कुछ हो चुका है तो आईटीसी मिलेगी तो आईटीसी मिलेगी कंफर्म आईटीसी मिलेगी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है सर फूड एंड बिवरेजेस परचेज फॉर द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स
अंडर स्टेचुरी ऑब्लिगेशन, स्टेचुरी ऑब्लिगेशन है, स्टेचुरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिलेगी। सर ये जून का, जून का, जून का मतलब क्या सर? जून का पेमेंट हुआ जून में, पेमेंट से कोई मतलब होता ही नहीं है। हमने हुआ क्या, हम लोग, हमारी जो कंपनी, हम लोग है जेट लिमिटेड, हमने एबीसी लिमिटेड से गुड्स परचेज किया, उसने हमें इनवॉइस दे दिया, एबीसी ने टैक्स भी डिपॉजिट करवा दिया, हम लोगों ने एबीसी को अगले महीने पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट तो मतलब ही नहीं होता ना। तीन कंडीशन होती है, वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। पेमेंट का हम लोग कभी पॉइंट ध्यान रखते हैं क्या? नहीं, पेमेंट का पॉइंट ध्यान रखते ही नहीं ना, जो हम लोग तीन बातें ध्यान रखते हैं, हम लोग केवल तीन बातें ध्यान रखते हैं, वैलिड इनवॉइस, ठीक है सर वैलिड इनवॉइस है, टैक्स डिपॉजिट, हाँ सर टैक्स डिपॉजिट हो गया, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो गुड्स भी रिसीव हो गया होगा विदाउट इन्फॉर्मेशन, गुड्स भी रिसीव हो गया विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं ये बोलूँ गुड्स हैज बीन रिसीव्ड, तो मैं थोड़ा ना कभी कुछ बोलता हूँ कि नहीं भी गुड्स रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कुछ थोड़ा ना बोलता हूँ, ठीक है। दूसरा, फूड एंड बेवरेजेस परचेज अंडर स्टेचुरी ऑब्लिगेशन, स्टेचुरी ऑब्लिगेशन आईटीसी मिलेगी। सीमेंट यूज फॉर फाउंडेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो मैंने कल ही कराया था, स्ट्रक्चरल सपोर्ट है आईटीसी मिलेगी, मतलब तीनों पॉइंट ही आईटीसी मिल रही है, ठीक है सर ओके। ये कुछ पॉइंट्स और हैं आप लोगों के सामने, इनको एक बार सॉल्व करना। आंसर केवल अपने मन में रखोगे, कोई आंसर बोलेगा नहीं। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सुनना, the point is goods purchased for being used in the repair of factory, goods used for being used in the repair of factory shed मतलब land and building से related हो गया। और मैंने कल एक word बोला था आप लोगों को, केवल repairing में ही ध्यान रखना है, अगर repairing capitalized है केवल repairing में ही capitalized word का मत ध्यान, केवल 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 और केवल रिपेयरिंग में रखना है। आप लोग बोलोगे बाकी सब में क्यों नहीं रखना है, तो बाकी सब कैपिटल गुड्स होते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। मेक श्योर कि आप लोग वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरे को रटा नहीं रहा हूँ, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने से बेटर होता है रट लेना, जिससे क्या कंफ्यूजन कम हो। अब वर्ड्स का गेम है सारा, रिपेयरिंग को अगर मैं कैपिटलाइज करूँ दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंसेस। अब मैं कोई चीज जैसे लैपटॉप परचेज करके लेके आया उसको, वो तो वैसे ही कैपिटलाइज, मुझे कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, वो अकाउंटिंग रूल ही बोलता है, वो मेरा अकाउंटिंग रूल बोल रहा है कि वो चीज कैपिटल एक्सपेंसेस है, कैपिटल कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए कैपिटल गुड्स। रिपेयरिंग कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। लैपटॉप का भी रेवेन्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका थोड़ा सा एक पॉइंट है, लॉजिकल चीज है, इलॉजिकल नहीं है, बट हाँ ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है जो याद रख लेना मच बेटर है मच करने से, तो ठीक है। तो द पॉइंट इज रिपेयरिंग है कैपिटलाइज हो गई, तो इसकी आईटीसी नहीं
मिलेगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर procured for use in the manufacturing process in the XYZ limited and the same has been capitalized, lekin transformer capital goods hai, transformer capital goods hai, aur capital goods mein is word ka kuch bhi dhyan nahi rakhte hum log, to iski bhi ITC mil jayegi। theek hai, fir goods supplied for captive consumption इन अ फैक्ट्री, कैप्टिव कंजप्शन क्या होता है? कैप्टिव कंजप्शन, ये नया वर्ड क्या आया? तो कैप्टिव कंजप्शन क्या होता है? मशीन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कैप्टिव कंजप्शन रॉ मटेरियल। ठीक है, used in business, ठीक है, जो captive consumption होता है, actually इसका cost accounting standard भी है 4, captive consumption का cost accounting standard भी होता है 4। अब ये क्या बोलता है, जो भी आप raw material, जो भी आप business में वगैरह में use में ले रहे हो, that is called your captive consumption। तो business में use में आ रहा है, that means ITC मिलेगी। Next, travel benefits extended to employees on वैकेशन नॉट अंडर स्टेचुरी ऑब्लिगेशन, स्टेचुरी ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब आईटीसी नहीं मिलेगी। हायरिंग ऑफ मोटर बस ऑन रेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सीटिंग कैपेसिटी है 38, मोर देन 14, आईटीसी मिलेगी। फिर नेक्स्ट, health and fitness services availed from a health club for upkeep of health of their employees under government obligation, government obligation, to ITC milegi। Aage, capital goods used as a parts purchased from supplier who paid tax 18,000 under composition scheme, purchased composition scheme, composition या फिर एनआरटीपी, इनसे परचेज करते हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? हाँ, थर्ड पॉइंट समझाना एक बार। थर्ड पॉइंट कौन सा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट का। हाँ, इसमें थर्ड या वो एक्चुअल में थर्ड पॉइंट? इसमें थर्ड पॉइंट। ये कैप्टिव कंजप्शन वाला है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट वाला? स्ट्रक्चरल सपोर्ट वाला सर। स्ट्रक्चरल सपोर्ट वाले में हमेशा आईटीसी मिलेगी। स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस है एक तरह से। स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, वो न तो कोई कैपिटल एक्सपेंसेस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसमें तो आईटीसी आराम से मिलेगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो मैं बात सुनना, दो बातें मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये सारी क्लास एक्चुअली रिकॉर्ड हो रही है, अब रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने कल व्हाट्सएप पे भेजने की पूरे दिन पूरे रात ट्राई करी, लेकिन मेरे से नहीं भेजने में आई। इवन दो मैं रात को 3 बजे भी ट्राई कर रहा था, नेट मेरा ठीक स्पीड में आ रहा था, बहुत सही स्पीड में आ रहा था, मैंने कहा 3 बजे भेज के देख लिया, तो नहीं आई भेजने में। तो अब मैंने ये एक रिकॉर्डिंग जतिन को भेजी है टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम पर। तो अब आप में से, अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं वाईफाई के अंदर जाके ट्राई करता हूँ, उससे सेंड हो जाती है, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सारी रिकॉर्डिंग परसों से लेके आज तक की। अगर नहीं हो पाती है तो मैं किसी को और एक एक रिकॉर्डिंग, और हाईएस्ट 35 MB की एक रिकॉर्डिंग है, highest 35 MB की एक रिकॉर्डिंग है, highest ही। तो आप लोग बोलो तो इजीली हो जाएगी। हाँ, और आप लोग बोलो तो उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, या मैं आप लोगों को सेंड करूँ? या तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, या मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है? यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ? यूट्यूब पर अपलोड कर, ठीक है। तो मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेके अब तक की जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग यूट्यूब पर देख पाएंगे उनको, ठीक। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब पर अपलोड करने की। हाँ सर, यूट्यूब पर कर दो, ठीक है। ओके, डन। ओके, थैंक यू सर, टेक केयर। और सुनो, एक बार इसके 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन, 1 to 7 क्वेश्चन, और वन टू सेवन क्वेश्चन
1 to 7 और एग्जाम्पल 1 to 9 एक बार कंप्लीट करना सब लोग. ओके सर. ओके चलिए बाय. टेक केयर. बाय सर. Thank you.